अरे मोदी जी, जो अपने खेत में तुम फूलों की खेती करवाने मुझे लेकर आए हो, तो ये बताओ कि मुझे कितने रुपए मिलेंगे, कितने रुपए मिलेंगे रोज के, और एक महीने की कितनी सैलरी मेरी बनेगी? क्योंकि मैं फूल तोड़ते तोड़ते सुबह से शाम तक काम करता हूँ, फिर 12 बजे रात को भी काम करता हूँ। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी कितनी सैलरी आप लगाओगे, क्योंकि सबकी बराबर सैलरी हो जानी चाहिए। मेरी कितनी लगाने वाले हो, पर डे का भी बता देना और दिन की भी बता देना, जैसा हो वैसा सारी बात मुझे बता दो, तभी काम करने में मजा आएगा। अरे योगी जी, एक बात बताऊं तुम्हें, तुम काम करते रहो, तुम बातें बहुत करते हो, काम कम करते हो। अब बताओ, ऐसे काम करोगे तो मैं कहाँ से तुम्हारी सैलरी बता पाऊंगा? पूरे महीने बीत जाएंगे लेकिन सैलरी नहीं बता पाऊंगा तुमको। मैं बताए दे रहा हूँ, अपने कामों पे ध्यान दो। लेकिन मैं तुम्हारे प्रतिदिन के काम के हिसाब से अभी मैं बता देता हूँ कितने रुपये तुम्हें रोज के मिलेंगे। रोज के तुमको 150 रुपये मिलेंगे, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हो। 100 रुपये का काम करते हो तो तुम्हें 150 दे दूंगा मैं, इससे ज्यादा तो बिल्कुल मैं देने वाला नहीं हूं। अखिलेश भी काम नहीं करते हैं, और इधर देखो प्रियंका जी कुछ अच्छे से काम करती है, मेहनत करती है, हमारा पार्टनर है उनका बिजनेस में, तो इसलिए अखिलेश की भी सैलरी कम लगाऊंगा, बताए दे रहा हूं मैं। अरे मोदी जी, मेरा कम कम लगाओगे सैलरी? मेरा क्यों लगाओगे? मैं तो बिल्कुल काम करता हूँ, 3 महीने से लगातार काम करता आ रहा हूँ। मेरी 1 रुपये भी अभी सैलरी नहीं मिली है। पूरी सैलरी लेके रहूँगा, कुछ भी हो जाए, मुझे कहीं भी जाना पड़ेगा वो भी करूँगा। अगर मैं काम नहीं करता हूँ तो मुझे क्यों रख रहे हो? किसी और को रख लो अपने काम पे। अरे ऐसा करो, मेरी हिसाब कर दो और मैं कल से तुम्हारे फूल की खेती करने नहीं आऊँगा, तुम किसी और को रख लो, बताए दे रहा हूँ मैं। अरे ऐसा करना अखिलेश, तुम बिल्कुल भी मत आना, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अमित शाह को या किसी और को रख लूँगी, क्योंकि हमारा बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहा है। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। अरे राहुल जी, आज देखो खेतों में कितना शानदार खीरा पैदा हुआ है। इतना अच्छा खीरा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पैदा कर पाया खेतों में। लेकिन अब की बार इतने अच्छे पौधे हुए कि खीरा तो खीरा, 10 टरक खीरा मैंने अब की बार मंडी में बेचा है। लेकिन एक बात बताए दे रहा हूँ राहुल, तुम अच्छे से आवाज़ लगा करके बेचो। अच्छे से आवाज़ लगा कर बेचोगे तो ग्राहक ज़्यादा आएंगे, और तुमको दिहाड़ी पूरे में 505 रुपये शाम को दूंगा, और खाने भी मिलेंगे साथ में, क्योंकि मैंने अपनी बार सबसे अच्छा किसानों वाला काम किया है, ये समझ लो। अरे भाई लोग, मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं बताऊंगा आपको, ये जो खीरा तो उसमें कोई शक नहीं है। तुम लोगों को खेत में खीरा तो बहुत शानदार पैदा हुआ है, लेकिन एक बात मैं बताना चाह रहा हूं, अगर इस खीरा को यहाँ खेतों में बेचने के बजाय तुम अगर मंडी में भेज करके वहां पे अगर आढ़त पे बिकवाओ तो बहुत महंगा बिकेगा। इतने खीरे बेच करके हम तुम लोग सब लोग पैसे वाले हो जाएंगे। हमारे भी खेत में सबसे अच्छा खीरा तैयार हुआ है। अब की बार पता नहीं क्यों इतनी अच्छी फसल गई है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा करो, तुम लोग ले जाओ वहीं पे बेचो, यहां बेचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहां पे कोई ग्राहक तो आते नहीं है। अरे मोदी जी, ऐसे कैसे नहीं बिकते हैं, ऐसे कैसे नहीं बिकते हैं? तुम तो अपना खीरा बेचने के लिए हमारे खीरे के चक्कर में पड़े हुए हो बिल्कुल, लेकिन मैं ऐसा करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मुझे मिलती है दिहाड़ी। तुम अपना खीरा सोच रहे हो बिचवा लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे अखिलेश का खीरा ना बिके? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपना फर्ज पूरा निभाऊँगा, यहाँ पे ग्राहक बहुत आते हैं। अब देखो योगी जी आ गए यहाँ पे। अरे योगी जी, कितना खीरा चाहिए? ले जाओ यहाँ से, बहुत सस्ता है हमारे यहाँ खीरा। अरे ऐसा करो भैया राहुल, तुम हमारे लिए 55 किलो खीरा तोल दो, क्योंकि मुझे एक फंक्शन करवाना है, उसमें सलाद के लिए काम है। तो ऐसा करो, फटाफट अपना खीरा 55 किलो बोरे में तोल दो। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। अरे क्या अखिलेश खाना बनाए, कितना गजब का खाना बनाए, मजा आ गया आज खाना खाने में। पहली बार भाई इतना मस्त खाना मैंने खाया है अमित शाह जी के यहाँ पे, और साथ में अमित शाह जी भी खा रहे हैं। अब तुम बताओ अखिलेश, कि पिछली बार जब हम लालू के घर गए थे खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे कैसा खाना बना था? वहाँ भी मज़ा आया था? मुझे तो दावत मारने की एकदम आदत पड़ गई है, दावत खाते खाते मुझे मौज आ जाता है, इसलिए मैं दावत कभी नहीं छोड़ता हूँ। लेकिन तुम लोग तो कभी कभी जाते हो दावत खाने, मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों अखिलेश? अरे नहीं योगी जी, नहीं
योगी जी, ये बात नहीं, हम में हम भी खाते हैं दावत, दावत कभी नहीं छोड़ते हैं। घर का खाना छोड़ देते हैं लेकिन दावत कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि दावत का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सारे मटेरियल मिलते हैं, 10-12 रसगुल्ले और काला जाम, ये सब खाने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए दावत मैं भी नहीं छोड़ता हूँ। अरे दावत छोड़ने के कई नुकसान है, एक तो नुकसान है अपने घर का खाना खाओ, उसमें भी खर्चा होता है। लेकिन ये एक बात मैं बता देता हूँ योगी जी, ये केजरीवाल तो कभी भी खाना छोड़ता ही नहीं है, खाता ही रहता है बिल्कुल। अरे भैया, हम तो पहली बार आए हैं खाना खाने, तुम लोग तो बार बार जाते रहते हो। मेरी आदत नहीं भैया, मैं इतना नहीं ललचा हूँ कि दूसरे के यहाँ दावत ही खाता रहूँ। अरे मुझे अपनी बदनामी नहीं करवाना है, इसलिए मैं अपने घर का खाना एकदम फ्रेश रहता है, अपने घर का खाता हूँ। अब दावत में काला जाम ज़्यादा खा लो तो पेट खराब हो जाता है, इसलिए मैं नहीं खाता हूँ दावत ज़्यादा। अब जिस जगह नहीं चलाऊँ होता है तो आ जाता हूँ, लेकिन इनका पूछो, ये राहुल तो कोई दावत नहीं छोड़ता है, इसका कोई बात नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि हमेशा मैं दावत के लिए बैठा रहता हूँ। अरे ऐसी बातें मत बोलो, शर्मिंदा मत करो। अरे आज इतना मस्त खाना बना है कि मजा आ गया, ये बोलो, मैं तो तारीफ करूंगा हम इस साध जी की, इतनी अच्छा खाना बनवाते हैं, मौज आ गया। लेकिन पानी थोड़ा योगी जी हमारे तरफ खिसका देना, क्योंकि मुझे प्यास लगी है। भाई लोग वीडियो लाइक करो।